राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी वहाँ का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेंगे? किसी को कर दो, उनका कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी किसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यही ऑप्शन है। उसकी शक्ल भी मिलती है राहुल गांधी से। एमपी में बीजेपी हार गई है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? तो दे देना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। टाइम होता होगा ना, टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद वो इस्तीफा दे। मेरे ख्याल से एक मौका और देना चाहिए उन्हें। मेरे भी ख्याल से एक मौका और देना चाहिए। दी एंड तक उन्हें लड़ना चाहिए। एमपी का राष्ट्रपति पता है आपको कौन है? नहीं। यूपी का आई थिंक लालू यादव। दिल्ली का राष्ट्रपति कौन है अभी? ये आपका क्या कहते, भूल गया, गूगल मार के बताते हैं। यूपी क्या नाम है इनका? को एमपी का प्रेसिडेंट भी नहीं पता होगा फिर। आई नहीं, इंटरेस्ट नहीं है भाई, इन्हों तो बिल्कुल भी नहीं है। यार यूपी का पता है, पेट में आ रहा नाम, पेट में नाम नहीं आ रहा है। प्रणब मुखर्जी। आनंद पाल था, उसे मार दिया। राष्ट्रपति कौन? दिल्ली, दिल्ली के राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ जी। मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन? केजरीवाल है ना। अशोक गहलोत। केजरीवाल, मैंने तो चुनाव में नाम ही नहीं सुना केजरीवाल का। भगवान माफ नहीं करेगा आपको। दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली का प्रधानमंत्री वही नरेंद्र मोदी है। दिल्ली के मालिक हम हैं। बिहार का? वो भी नरेंद्र मोदी ही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो केजरीवाल कौन है? वो केजरीवाल तो वही है, नरेंद्र मोदी। भगवान माफ नहीं करेगा आपको। भगवान माफ नहीं करेगा आपको। क्या हो रहा है भाई, मार्केट में हो क्या रहा है? ईवीएम की जगह पेटीएम, एमपी का राष्ट्रपति लकड़ी की सी, मोदी ही केजरीवाल। तो यार हमारी जनता, आपको एक बड़ा वाला प्रणाम बनता है। बहुत बढ़िया भाई, एम्बुलेंस बुलाओ। खत्म।